तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कुछ तरह के 3D सोशल मीडिया प्रोफाइल एडिटिंग कैसे आप कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे आपका नाम भी लिखा होगा और यहाँ पे कौन सा भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन का आप कर सकते हो इस तरह का फोटो क्रिएट, वो भी सिर्फ एक ही क्लिक में। तो अगर आपको भी सीखना है तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फोन को सबसे पहले आप यहाँ पे फ्लिप कर लो और मैंने यहाँ पे जो गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, आप यहाँ पे कौन से ब्राउजर को ओपन कर सकते हो। और ओपन करने के यहाँ पे सर्च वाला जो आइकॉन है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बिंग AI इमेज क्रिएटर, इसे आप यहाँ पे सर्च कर लेना है। स्पेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सर्च करने के आपके सामने वाला जो वेबसाइट है फर्स्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना तो आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस, जहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट को लिखना है। लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी अगर टाइप कर दो प्रॉम्प्ट को तो यहाँ पे क्रिएट वाला जो ऑप्शन है ये आ जाएगा और इसके ऊपर जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमें साइनअप के लिए पूछेगा। अगर आपने साइनअप नहीं किया तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें साइनअप का प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है। इसके लिए आप ये वाला वीडियो देख लेना पूरा तो आप समझ जाओगे। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हो। इसमें आपको 3 to 4 चेंजेस करना है, जैसे कि यहाँ पे 21 ईयर्स है, इसके जगह पे आपको अपना एज लिखना है और यहाँ पे इंस्टाग्राम के जगह आपको जो भी पे चाहिए मतलब एप्लीकेशन उसे यहाँ पे टाइप कर लेना। और सबसे नीचे यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने चैनल का नेम लिखा है, वहाँ पे आपको अपना यूजर नेम लिखना है, बस यहाँ पे रिप्लेस कर देना नेम को। और यहाँ पे देख सकते हो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पेज, इस वाले पार्ट पे भी आपको अपना नेम को चेंज करना है मतलब एप्लीकेशन के नेम को। अगर आपको स्नैपचैट के जाए तो स्नैपचैट के कर सकते हो, फेसबुक का भी कर सकते हो। और आपको यहाँ पे सेम टू सेम ये लिखना है, आप चाहे तो कमेंट में भी पोस्ट कर सकते हो ताकि दूसरा भी रीड करके उसे यूज कर सके। नेक्स्ट आपके मुझे क्रिएट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे 10 से 15 सेकंड लगेगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तब तक आप जो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको जैसा फोटो चाहिए उस तरह का नहीं आता है तो इसके बाद आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसे फुल क्वालिटी में कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताऊंगा। तो देख सकते हो हमारा फोटो आ चुका है और इसमें से जो फोर्थ वाला फोटो है ये काफी अच्छा है, लेकिन हमें इससे भी और अच्छा चाहिए तो सिंपली हम जो क्रिएट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर वापस से क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सेकंड टाइम जब आप क्लिक करोगे तो इससे भी और अच्छा फोटो आएगा। ऐसे आप यहाँ पे बार बार चेंज कर सकते हो जिससे आपके जो फोटो चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस बार देख सकते हो यहाँ पे जो सेकंड वाला फोटो है मुझे काफी अच्छा लग रहा है, सिंपली इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो 3 डॉट वाला जो आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो आपका जो फोटो है फुल क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाएगा। और इसे करके आप यहाँ पे दूसरे फोटोज को भी क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा से कमेंट भी कर देना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।